आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। देपालपुर पटवारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में मंगलवार को तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील की बड़ी संख्या में पटवारियों ने भाग लिया। नारेबाजी के साथ साथ उन्होंने शासन से मांग की है कि शासन ने हमारी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री ने स्वयं सनावत सम्मेलन में आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन लंबा अरसा गुजरने के बाद भी शासन उदासीनतापूर्ण रवैया होने के कारण हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजबूर होकर पटवारी संघ द्वारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। साथ ही उन्होंने शासन को चेतावनी दी है कि यदि शासन ने हमारी मांगों को शीघ्रता से नहीं माना तो उग्र आंदोलन करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पटवारियों की प्रमुख मांग वेतनमान की है, जो वर्ष 2007 से लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 2007 में सनावत सम्मेलन में घोषणा की थी कि पटवारी का वेतनमान बढ़ेगा, लेकिन वो घोषणा केवल आज तक घोषणा ही रहेगी, इसका अमल आज तक हो नहीं पाया है। इसी बात को लेकर पटवारी संघ ने बार बार शासन को अवगत कराया गया, हर दो वर्षों में किसी न किसी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, प्रिंट मीडिया, सभी के माध्यम से अवगत कराया, पर वो मांग हमारी आज भी मंजूर नहीं हो। ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन अनिश्चितकालीन है, वे प्रांतीय आह्वान पे हो रहा है, तो जब तक हमारे प्रांत अध्यक्ष नहीं कहेंगे जब तक आंदोलन चलता है। शासन की ओर से कोई आश्वासन मिला? शासन की ओर से आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन केवल मौखिक आश्वासन है। पिछली बार भी हम लोग कई बार इसे मौखिक आश्वासनों से वापस आएगा, लेकिन वो आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज ये जो आप धरना दे रहे हैं, इस बारे में कोई अधिकारियों की तरफ से प्रतिक्रिया आई क्या? प्रतिक्रिया तो नैतिक समर्थन उनका हमारे पास है। धन्यवाद। आपका नाम? मनोज परिहार, पटवारी संघ जिला अध्यक्ष। धन्यवाद।